नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आ रही है। दरअसल खबर वहाँ से ये आ रही है कि वहाँ पर जो भी हिंदू रहते हैं उनको अब वहाँ पर मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। दोस्तों, ये सब सोचिए तब हो रहा है जब वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अपने देश को छोड़कर जा चुकी हैं और वो भारत में आ चुकी हैं। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये जो वहाँ पर अराजक तत्व हैं, वो जो हिंसा कर रहे हैं, उनका ये कहना था पहले कि वो आरक्षण को अपने देश में लागू नहीं करना चाहते, वो जो आरक्षण है उसको हटाना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और हिंसा कर रहे थे, लेकिन उनकी ये सब मांग पूरी हो गई और वो चाहते थे कि उनकी प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो ये काम शेख हसीना जी ने कर दिया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश को छोड़ दिया। दोस्तों, ये जब मांग पूरी हो गई तो सोचिए इन्होंने वहाँ पर इसके आगे और एक कदम आगे बढ़ गए। अब वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये सोचिए किस तरह की मानसिकता है, ये तो बहुत ही बुरी मानसिकता है। आखिर ये मानवता के जो दुश्मन लोग हैं, जो मानवता के खिलाफ वाले लोग हैं, वो आखिर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भेदभाव करते हैं इंसान इंसान में, वो इसमें हिंदू और मुसलमान देख रहे हैं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि मारने वाला मुसलमान है और इससे पहले जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो भी मुसलमानों के बीच में थे, जैसे कि खालिदा जिया जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, मतलब कि विपक्ष की नेता थी, हालांकि वहाँ पे चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था इस बार, लेकिन ये वहाँ की जो बीएनपी पार्टी है उसकी सुप्रीम है और ये पाकिस्तान के समर्थक मानी जाती हैं। ये सोचिए मुस्लिम है शेख हसीना, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी वो मुस्लिम, वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं वो मुस्लिम, और ये जो अराजक तत्व हैं ये भी सब मुस्लिम हैं। ये सारे आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। इनका जैसे ही ये सारा काम ख़त्म हुआ, शेख हसीना जी वहाँ से निकली, इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, जबकि हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसमें यूपी का कनेक्शन क्या हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो नेता हैं जो कैबिनेट में कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। ये समझ लीजिए कि ये विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री के साथ ये कॉरपोरेट मिनिस्टर भी थे। ये अब ये समझ लीजिए कि ये एक वकील भी हैं, ये एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं और ये पढ़े लिखे हैं। बहुत अच्छे समय तक इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है केंद्र में। अब इनका ये कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है सेम चीज़ इंडिया में भी हो सकती है। अब ये समझ लीजिए कि ये किस टाइप की मानसिकता है कि अगर कोई चीज़ अपने घर में ख़राब होती भी है तो उसको हम ठीक करने के सोचते हैं, ना कि उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद उसकी आवाज़ बन रहे हैं जो इस तरह के अराजक तत्व तो होते हैं। ये सलमान खुर्शीद का ये पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का एक ये नेता हैं और इन्होंने पहले भी एक बयान ऐसा जारी किया था जब ये बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था। तो बाटला हाउस में जब इनकाउंटर हुआ था तो इनका ये कहना था कि सोनिया गांधी जी पूरी रात खूब रोई हैं क्योंकि वहाँ पे आतंकियों को गोली मार दी गई थी। अब ये सोच लीजिए दोस्तों, आतंकियों को गोली नहीं मारी जाएगी तो किसको गोली मारी जाएगी। अब इन्होंने मोहन चंद शर्मा जो उसमें शहीद हुए थे उनके लिए आंसू नहीं बहाए, जो वहाँ पे आतंकी मरे थे सोनिया जी ने उनके लिए आंसू बहाए थे, और ये बात सलमान खुर्शीद जी ने मीडिया के सामने बोली थी। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो दिखता है कि आखिर ये क्या चाहते हैं देश के अंदर। देश के अंदर ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये देश के अंदर लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि इन सब चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए। ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये एक बड़े वकील हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, इनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, ये बड़े नेता हैं, तो इनको कम से कम ये चीज़ें तो समझना चाहिए कि हम क्या बात प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि इससे देश में माहौल ख़राब हो सकता है, ये कितनी बुरी चीज़ है। और फिर ये तो विदेश मंत्री रहे हैं, एक देश की चीज़
दूसरे देश में कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, वहाँ के मैसेजेस को कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें तो इनको बहुत अच्छे से मालूम है। उसके बावजूद ये इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ भारत में भी हो सकती है। अब ये भारत में क्या अराजकता करवाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भारत में वैसा ही हो जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के लोग इस वक्त तो वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि 1971 में जब बांग्लादेश नया देश बना था पाकिस्तान से टूटकर, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ के जो एक तरह से जो इंडिया में महात्मा गांधी जी की पोजीशन है, वैसे ही बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की वहाँ पर पोजीशन है। उनके पुतले तक तोड़े जा रहे हैं, वहाँ के लोग उनके जो स्टैचूज़ बने हुए हैं उनको तोड़ रहे हैं। अब आप इससे समझ लीजिए कि वहाँ के लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनकी ही मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, कितनी ख़राब बात है। ये आप समझ लीजिए कि वहाँ के लोग ऐसे हैं। अब पाकिस्तान को तो मज़ा आ रही है इन सब चीज़ों में, और सलमान खुर्शीद मज़े और दिलाने में लगे हुए हैं। ये तो चाह ही रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ देश में कुछ गड़बड़ हो जाए। ये एक अच्छे नेता को इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।